ट्रेन हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक ट्रेन हादसों की खबर ने सभी को चौंका दिया है। अब ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का है, जहां आज सुबह करीब 6 बजे ओबरा में फफुरा कुंड के नजदीक शक्तिपुंज एक्सप्रेस के 7 डब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत बात यह है कि इस भयानक हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना एक और दुखभरी खबर आ सकती थी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की स्पीड करीब 40 बताई जा रही थी, इसलिए सभी यात्री सुरक्षित हैं। ट्रेन हादसे के बाद सभी यात्रियों को दूसरी ट्रेन से भेजा गया। इसके साथ ही आपको एक खास बात बता दें कि एक महीने के अंदर ये तीसरा रेल हादसा है। 23 अगस्त को कैफियत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन सहित 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 74 लोग घायल हुए थे। दूसरा हादसा 19 अगस्त को मुजफ्फरनगर के खतौली में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि 97 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस पूरी से हरिद्वार जा रही थी, जिसमें रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, और यह हादसा तब हुआ जब पटरी पर काम चल रहा था। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।